नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं आरपीएससी फर्स्ट ईयर एग्जाम्स के लिए राजस्थान के लास्ट 3 मंथ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का हम छोटा सा टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम 110 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लास्ट 3 मंथ के। अगर आप इन क्वेश्चन तक अपनी पहुंच बना पाते हैं तो निश्चित ही मान के चलिए आपकी तैयारी काफ़ी अधिक अच्छी हो जाएगी करंट अफेयर से। तो आप वीडियो एंड तक देखिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इन क्वेश्चन को कहीं पर नोट डाउन कर लें। जब भी आपका एग्जाम हो मॉर्निंग में केवल इसका एक बार रीडिंग करके जरूर जाएं। निश्चित ही आपको हमारे इस वीडियो से काफ़ी अधिक हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रदेश की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग ने समझौता किया है पश्चिमी संस्कृति केंद्र के साथ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये स्थित है उदयपुर में। और इससे पहले भी राजस्थान पर्यटन विभाग ने यूनेस्को के साथ भी एक समझौता किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो महिला सशक्तिकरण हाल ही में इसका आयोजन किया गया था माउंट आबू में, और इसके मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, पंचायती राज चुनाव में सरपंच उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च सीमा तय की गई कितने हजार रुपये? तो सरपंच उम्मीदवार के लिए तय की गई 50,000 रुपये। पंचायत समिति के अध्यक्ष के लिए की गई 75,000 रुपये, और जिला परिषद के लिए जो चुनावी खर्च सीमा है 1,00,000 रुपये तक की तय की गई है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस शॉर्ट पुट खिलाड़ी ने 13वीं दक्षिणी एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कचना चौधरी। ये आप ध्यान रखिए, कुछ इस प्रकार का होता है ये शॉर्ट पुट जो खेल है। ये आप ध्यान रखिए, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखें। इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कचनार चौधरी ने। इनका संबंध जयपुर से है। और जो ये 13वीं दक्षिण एशियाई खेल संपन्न हुए हाल ही में, ये संपन्न हुए काठमांडू नेपाल में। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर सिटी में राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 100 में शामिल हुआ है? तो कौन सा शहर हुआ है? ये हुआ है जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यूके बेस्ट मार्केट रिसर्च कंपनी की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें जयपुर को स्थान मिला है 34वां। और भारत में फर्स्ट कौन है? दिल्ली है, जिसको 11वां स्थान मिला है। ये आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, राजस्थान के किस जिले में संक्रामक रोगों की जांच तथा अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला खुलेगी? तो ये खुलेगी जोधपुर में। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे दिया गया? ये दिया गया सतीश चंद्र गुप्ता को। 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। आगे दे रखा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में किया था 7 दिसंबर को, ठीक है। कहाँ पर ये? झालावाड़ जोधपुर। आगे देखते हैं, साउथ एशियन गेम्स में शीतल तोमर ने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो शीतल तोमर का संबंध है कुश्ती से, इनका संबंध है धौलपुर से। ये आप जरूर ध्यान रखिए, शीतल तोमर का संबंध है धौलपुर से। और इन्होंने जो ये स्वर्ण पदक जीता है ये 50 किलोग्राम वर्ग में जीता है। ये आप ध्यान रखिए, कुश्ती से इनका संबंध है, धौलपुर की है। आगे देखते हैं, राजस्थान में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया था सुखराम बिश्नोई की अध्यक्षता में। और जो ये प्राधिकरण है ये कितने सदस्यीय हैं? तो ये 20 सदस्यीय हैं। इसका गठन किया गया था 29 नवंबर को, ठीक है, 29 नवंबर को इसका गठन किया गया था। आपको पता है कि जो सांभर झील है वहाँ पर काफ़ी अधिक पक्षी मर गए थे, तो उनके मरने के बाद में अभी ही इस समिति का गठन किया गया था। आगे दे रखा है, राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया कॉन्टिनेंट अवार्ड्स प्रदान किया जाएगा? तो ये किन्हें किया जाएगा? ये किया जाएगा रेणु शर्मा को। 1st नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, दक्षिणी एशियाई खेलों में राजस्थान पुलिस की महिला कांस्टेबल ममता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो ममता कुमारी ने जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर 1st यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप ध्यान रखिए, इनका संबंध है कबड्डी से, सीकर जिले की है। और गलोटा गांव इनका गांव है, ये भी आप साथ में ध्यान रखिए, सीकर से है, ये आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं, राजस्थान मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में होगा? तो ये किस जिले में होगा? ये होगा अजमेर में। इसका आयोजन हो चुका है 14 से लगाकर 15 दिसंबर को, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, राजस्थान मास्टर एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन
14 से लगाकर 15 दिसंबर को हुआ है अजमेर में। आगे देखते हैं, नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शीर्ष स्थान पर रहा है भारत। ठीक है, भारत ने जीते हैं 174 स्वर्ण, रजत जीते हैं 93 और कांस्य पदक जीते हैं 45, टोटल 312। तो ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, किस जिले के जिला कलेक्टर ने घायलों की मदद के लिए हम सफ़र नामक ऐप बनाया है? तो हम सफ़र नामक ऐप बनाया है चित्तौड़गढ़ के कलेक्टर के द्वारा। किस लिए? घायलों की मदद करने के लिए, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान कैडर के IPS व जेल DIG जिन्हें हाल ही में एक्सीलेंस कंट्रीब्यूशन अवार्ड्स प्रदान किया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है विकास कुमार, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2019 किस रेलवे स्टेशन को प्रदान किया गया? ये किया गया जोधपुर रेलवे स्टेशन को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कब? 14 दिसंबर को। लेटेस्ट करंट अफेयर आप ध्यान रखिए, 770 KV का रूफ टॉप सोलर प्लांट भी जोधपुर रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इस पुरस्कार से जोधपुर रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, राजस्थान के दिव्यांग सिंह पवार ने 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो इन्होंने जीते हैं 6 पदक, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 63वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुई थी? ये हुई थी भोपाल में। इन्होंने व्यक्तिगत और मिश्रित रूप से ये 6 पदक जीते हैं, जिसमें 5 तो इन्होंने स्वर्ण जीते हैं, 1 रजत। आगे दे रखा है, दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, तो ये किसने जीता था? सुंदर सिंह गुज्जर के द्वारा जीता गया था। तो ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये कब से कब तक हुई थी? 7 से लगाकर 15 नवंबर तक, ये आप ध्यान रखिए। और सुंदर सिंह गुज्जर ने भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक का भी कोटा हासिल कर दिया है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल गेम्स में भाग लेने वालों को नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हमारा राजस्थान, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, हाल ही में किसे महानिदेशक होमगार्ड के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया राजीव दासोत को, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे दे रखा है, देश के पहले बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट्स का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो कहाँ से किया गया? इसका शुभारंभ किया गया जोधपुर से, तो आप ध्यान रखिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में पूरे देश का पहला बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट्स की शुरुआत की है, तो ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है 27वां स्थान, ये आप ध्यान रखिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, इसमें के संचालन में। आगे देखते हैं, 63वीं नेशनल शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने मिश्रित टीम ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है मानवादित्य सिंह ने, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं, जो ये 63वीं नेशनल शॉटगन शूटिंग चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन हुआ था 16 से लगाकर 30 नवंबर तक, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और जो ये मानवादित्य सिंह है, इन्होंने जूनियर वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, हाल ही में गठित राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? राजस्थान के मुख्य सचिव को, वर्तमान में कौन है? DB गुप्ता। राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर सरकारी दस्तावेजों का कौन सा लोगो अनिवार्य कर दिया है? तो यह कर दिया है गांधी 150, ठीक है, 150। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में सिंधु सूरदर्शन युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? तो ये कहां पर संपन्न हुआ? ये संपन्न हुआ ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, जैसलमेर में, ये आप ध्यान रखिए। यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर ने जैसलमेर में सिंधु सूरदर्शन युद्धाभ्यास संपन्न हुआ, तो ये आप ध्यान रखिए। और भारतीय वायुसेना के मुताबिक अभ्यास में पहली बार शूटर ग्रिड सेंसर का भी प्रयोग किया गया, तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट दे रखा है, राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किस बांध के किनारे किया गया? ये किया गया बिसलपुर बांध के किनारे, लागत कितनी है? ये 5 करोड़ की। आगे देखते हैं, साउथ फिल्म एंड आर्ट फेस्टिवल में राजस्थान के किस फिल्म को 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है चिड़ी बल्ला, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। जो ये फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया था चिल्ली में, और जो ये फिल्म है चिड़ी बल्ला इसके निर्माता है राधेश्याम पिपलवा, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के किस एयरपोर्ट की 35 एकड़ जमीन किराए पर दी जाएगी? तो दी गई, ये दी गई जयपुर एयरपोर्ट की, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में पहला बेटियों का उद्यान बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है डूंगरपुर में, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। इसका नाम है दिकरियों की बाड़ी, और लोगों को पेड़ों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, इस उद्यान को बनाया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस हाउस पर राजस्थान को अपना अधिकार मिला है? तो राजस्थान को हाल ही में उदयपुर हाउस पर अपना अधिकार मिला है, जो कि दिल्ली के सिविल लाइन्स में स्थित है, जो कि पहले दिल्ली सरकार के पास था। आगे देखते हैं, 65वें राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में हर्ष वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो हर्ष वर्मा ने जीता है रजत पदक, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो ये हर्ष वर्मा है इनका संबंध है सवाई माधोपुर से, और 65वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ है हाल ही में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है गुलाब कोठारी को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 16 नवंबर को इनको सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान किस टीम से हारकर सेमीफाइनल में बाहर हो गई? तो ये हो गई तमिलनाडु से हारकर, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसमें विजेता टीम रही है कर्नाटक, उप विजेता रही है तमिलनाडु, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकॉक में आयोजित 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड वर्ग की टीम स्पर्धा में प्रदेश के किन खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए हैं? तो ये किए हैं रजत चौहान और प्रिया गुजर, इन दोनों ने, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो ये 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप थी, इसका आयोजन हुआ था 21 से लगाकर 29 नवंबर के मध्य, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश टाटिया, ये अब वर्तमान में नहीं है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष है महेंद्र चंद्र शर्मा, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ राजस्थान के किस खिलाड़ी ने T20 में देश की पहली हैट्रिक का रिकॉर्ड अपने नाम किया? इनका नाम है दीपक चहार, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। ये तेज गेंदबाज है और वर्तमान में राजस्थान के श्रीगंगानगर में रहते हैं। आगे दे रखा है, 12वीं नेशनल वुमन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया मीना व्यास को, सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनका संबंध जयपुर से है, सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट दे रखा है, प्रदेश के किस खिलाड़ी ने चीन के पुतियन में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? इनका नाम है दिव्यांश सिंह पवार, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये आप ध्यान रखिए, भारत के 3 युवा निशानेबाज जिसमें मनु भाकर, एवा एलावेलिन वलारियान, काफी डिफिकल्ट नाम है, और दिव्यांश सिंह पवार, इन्होंने चीन के पुतियन में चल रहे ISSF विश्व कप फाइनल में स्वर्ण पदक जीते हैं। इन तीनों का नाम आप ध्यान रखिए, दिव्यांश सिंह पवार काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, पर्यटन के प्रतिष्ठित ट्रेवल एंड लेजर सम्मान समारोह में किस राज्य को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया राजस्थान को, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नई दिल्ली के होटल में आयोजित हुआ था ये सम्मान, ठीक है, सम्मान समारोह, उसमें राजस्थान को सम्मानित किया गया है बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड से, ये आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, 13 नवंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्हें मेघालय हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, वे कौन है? ये है मोहम्मद रफीक। आगे चलते हैं, भारत और फ्रांस की सेना के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? तो शक्ति 2019 का आयोजन किया गया बीकानेर में, सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। 31 अक्टूबर से लगाकर 13 नवंबर के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। आगे दे रखा है, प्रदेश की कौन सी झील पक्षियों की मृत्यु के कारण हाल ही में काफी में चर्चा में रही थी? सांभर जिले, थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार पक्षियों की मृत्यु बोटुलिज्म नामक बीमारी से हुई, यह बीमारी जीवों की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, यह आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखते हैं, राजस्थान की कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? ये मिला है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये आप ध्यान रखिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में इस योजना को 16 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
इसके अंतर्गत 712 प्रकार की दवाइयों को शामिल किया गया है। तो सारे के सारे फैक्ट आप ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ कि काफ़ी अधिक क्वेश्चन है और आपको कम टाइम में प्रोवाइड कराने हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया टुडे की ओर से स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2019 किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग बिग स्टेट इन गवर्नेंस से सम्मानित किया गया? तो ये किससे किया गया है? ये किया गया है राजस्थान को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, आप ध्यान रखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर से ये अवार्ड ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहारी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा आयदान सिंह भाटी को, और इनकी पुस्तक का नाम भी आप ध्यान रखिए, आंख हियरा हरियल सपना, ये आपको ध्यान रखना है। और 2018 में बिहारी पुरस्कार मिला था स्वप्नपास के लिए, इनका नाम है मनीषा कुलश्रेष्ठ, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं। 6 नवंबर को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला स्वास्थ्य व पोषक सुधार के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है? ये रहा है धौलपुर। ये नीति जो नीति आयोग है इसकी रिपोर्ट काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, और स्वास्थ्य और पोषक सुधार के मामले में प्रथम स्थान दिया है धौलपुर को, ये आपको पता होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। 6 नवंबर को देश के 112 जिलों की रैंकिंग जारी की गई, फर्स्ट स्थान धौलपुर रहा है, ठीक है। आगे दे रखा है, 2 अक्टूबर को जारी रेलवे स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन है जयपुर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और टोटल 720 स्टेशनों की सूची जारी की गई, आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पर जो ये नीचे दे रखा है, जल शक्ति मंत्रालय, इसने 6 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट में स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार के तहत जोधपुर को प्रथम स्थान दिया था, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, राजस्थान के किन शहरों में 2-2 नगर निगम बनाए जाने की घोषणा की गई? तो यहाँ पर ये तीनों सही है, उपरोक्त सभी, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो जयपुर में कौन कौन सी होगी? जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर जयपुर। जोधपुर में जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, कोटा में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण। वर्तमान में कुल नगर निगम है 10, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में ऊँटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 34.69%। और ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, और ये आप ध्यान रखिए कि ऊँटों की जो वर्तमान में जो टोटल संख्या है वो है 2.13 लाख, ये आप ध्यान रखिए। और ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है, ऊँटों गधों बकरियों के मामले में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान पर है, ऊँटों गधों और बकरियों के मामले में। नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में किस पशु की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है? ये देखने को मिली है भैंसों की संख्या में, ठीक है। 2012 में थी ये 130 लाख, 2019 में हो गई है 137 लाख। और जो ये ऊपर दे रखे हैं ऊंट, भेड़ और बकरी, इनकी संख्या में गिरावट आई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? तो पशुधन में कमी दर्ज की गई 1.66%। राजस्थान का कुल पशुधन में देश भर में जो स्थान है वो है दूसरा, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। जो राजस्थान का कुल पशुधन है वो है 56.8 मिलियन, उत्तर प्रदेश का है 67.8 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं, 20वीं पशुगणना में मवेशियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई है 4.41% की। आगे चलते हैं, ये भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत नवाचार सूचकांक 2019 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का इसमें स्थान रहा है 13वां, और ये भी किसके द्वारा जारी की गई है? नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया नेत्रावास पंचायत, जो कि सीकर में स्थित है। इसके अलावा दो आप और ध्यान रखिए, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है मंडावर पंचायत को, जो कि टोंक में है, और थीमेटिक सैनिटेशन पुरस्कार मिला है उदयपुर की बासलिया ग्राम पंचायत को। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया जयपुर में, जयपुर के मान पैलेस में, और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वीरांगना को, जो कि सैनिकों के पारिवारिक जीवन पर बनी है। आगे दे रखा है, हाल ही में भरतपुर में डीग महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 10 से लगाकर 11 अक्टूबर को, ये आपको ध्यान रखना है। डीग को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया।
आगे देखते हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये बने हैं वैभव गहलोत। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सिलिकोसिस नीति बनाने वाला कौन सा राज्य बना है। तो कौन सा राज्य बना है, ये बना है द्वितीय, प्रथम कौन है, हरियाणा। इस नीति के तहत सिलिकोसिस पीड़ितों को पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए देने की 3 लाख रुपए देने का प्रावधान है। ये जो राशि है ये आप जरूर ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। सिलिकोसिस क्या होता है, समझे कि कोई भी मजदूर है जहां पर वो काम करता है वहां पर काफी अधिक धूल उड़ती है और श्वसन के माध्यम से वो धूल अंदर चली जाती है और उससे अगर उसको कोई बीमारी होती है तो वो होती है सिलिकोसिस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान रॉयल्स के नए कोच कौन नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड, अगले 3 वर्ष तक यही रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान देश में पान मसाले पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य बना है। तो ये बना है तीसरा, प्रथम है महाराष्ट्र, दूसरा है बिहार। और गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर ये प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। निकोटिन तंबाकू और फ्लेवर्ड सुपारी के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे देखते हैं हाल ही में राजस्थान के किस चित्रकार को राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार 2019 दिया गया, ये दिया गया ऋषिका को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार 2019। विजय हजारे ट्रॉफी में राजस्थान किस स्थान पर रहा है, यह रहा है 9वें स्थान पर। इसका आयोजन 24 सितंबर से लगाकर 10 अक्टूबर तक किया गया था, विनर टीम है कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं राज्य सरकार ने खाद्य पर, ठीक है, कितने प्रतिशत की छूट दे रखी है। यहाँ पर खाद्य नहीं है, खादी है, ये आप ध्यान रखिए, खादी पर कितने प्रतिशत की छूट की घोषणा की है, ये की है 50% की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के कितने नगर निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 25 अक्टूबर 2019 को की थी। तो ये की थी 49 नगर निकायों के चुनाव की घोषणा। इस प्रकार का क्वेश्चन एक दो एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दे रखा है जस्टिस इंद्रजीत महंती राजस्थान के कितने वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये बने हैं 37वें, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 6 अक्टूबर 2019 को राजभवन में इन्होंने शपथ ली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे दे रखा है राजस्थान में 21 अक्टूबर को कौन सा पुलिस शहीद दिवस समारोह मनाया गया। तो ये मनाया गया था 60वां। इसका आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में किया गया था। अखिल भारतीय सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया, ये किया गया था जोधपुर में। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर करेक्ट आंसर है, 5 से लगाकर 10 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र वाहिनी वायुसेना का जो संयुक्त युद्धाभ्यास है किस जिले में आयोजित किया गया था इसका, तो ये आयोजित किया गया था, यहाँ पर इसका सही आंसर है जैसलमेर, 3rd नंबर ऑप्शन। ये आप ध्यान रखिए 21 अक्टूबर 2019 को जो फील्ड फायरिंग रेंज है जैसलमेर में वहां पर इसका आयोजन किया गया, 2 दिवसीय ये युद्धाभ्यास था, 21-22 अक्टूबर। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई में राजस्थान के किस व्यक्ति को मोस्ट इनोवेटिव डिजाइन इन इंडिया का अवार्ड दिया गया, इनका नाम है मोहित फलोत, ये आप ध्यान रखिए। आगे चलते हैं देश के किस विधानसभा में विधानसभा से जुड़े इतिहास को जानने के लिए म्यूजियम बनेगा, यहाँ पर ये म्यूजियम है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, और इस पे लागत आएगी 14 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान की कितनी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, ये हुए थे 2 सीटों पर, ठीक है, मंडावा झुंझुनू खीवसर नागौर, ये भी आप ध्यान रखिए। और इनके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव थे, ठीक है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और हाल ही में किन किन राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र, हरियाणा और हाल ही में हुआ है झारखंड में, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं गौरवी सिंघवी राजस्थान की एक तैराक है जिन्होंने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया है, किस जिले से संबंधित इनका, इनका संबंध है उदयपुर से, और ये सबसे कम उम्र में इन्होंने ये खिताब पाया है इंग्लिश चैनल को पार करने का, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। राज्य में नई सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, ये रखा गया 25,000 मेगावाट का, 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं राजस्थान के किस जिले में कांगो बुखार का सामना
कांगो बुखार का मामला जो सामने आया है, तो ये किस जिले में आया है? ये हमें आया है जोधपुर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो ये कांगो बुखार है ये फैलता है हिमोरल नामक परजीवी से, पशुपालकों के चपेट में आने से आने का इसका सबसे अधिक खतरा रहता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, एनजीटी ने प्रदेश के किन जिलों में रेड तथा ऑरेंज श्रेणी के नए उद्योग पर रोक लगाई है? तो एनजीटी ने लगाई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर, पाली और भिवाड़ी, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये आप कंटेस्ट ध्यान रखें, जयपुर, जोधपुर, पाली और भिवाड़ी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान हाईकोर्ट का 70वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 29 अगस्त को। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राजस्थान की भामाशाह योजना को मर्ज करके नया नाम क्या दिया गया? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसका जो सबसे पहला कार्ड वितरित किया गया वो करौली में किया गया, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जल शक्ति अभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? ये रहा है अजमेर, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दे रखा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 सितंबर 2019 को जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के किन दो स्टेशनों को स्वच्छ महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया? मैंने आपको आगे बता दिया था, ये है जोधपुर और जयपुर। जोधपुर को इसमें फर्स्ट स्थान मिला है, जयपुर को सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं, संस्थाओं की श्रेणी में 2018 का अमृता देवी जो पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? वंडर सीमेंट लिमिटेड को, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव नियुक्त हुए हैं दिलीप सिंह शेखावत। आगे चलते हैं, राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 12 सितंबर। देखिए यहाँ पर ये 12 जो सितंबर दे रखा है, कहीं पर 12 सितंबर दे रखा है, कहीं पर 13 सितंबर। तो ये आप ध्यान रखिए, दो डेट अगर आपको एग्जाम में 12 मिले या फिर 12 या 13 में से एक ही मिलेगी, ठीक है, लेकिन एग्जाम में प्रायोरिटी है कि 13 आपको मिल सकती है, 13 सितंबर, अधिकतर नेट पर 13 सितंबर ही दे रखा है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 12 सितंबर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप आगे नीचे देखिए कि सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु इस पोर्टल की स्थापना की गई है, और जो सरकारी विभाग है कितने हैं? 13 सरकारी विभागों की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 13 सरकारी विभागों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर, ये फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सतीश पूनिया। आगे दे रखा है, देश के टॉप पुलिस स्टेशनों में 2019 में राजस्थान का कौन सा पुलिस थाना टॉप 10 में जगह बना पाया? ये जगह बना पाया है बकानी थाना झालावाड़। 6 दिसंबर को गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 7वें स्थान पर रहा है बकानी थाना झालावाड़, प्रथम स्थान पर है अबेरदीन थाना जो कि अंडमान में है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की सुमन राव मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2019 में कौन से स्थान पर रही है? तो ये कौन से स्थान पर रही है? ये रही है 3rd स्थान पर। जमैका की टोनी एन सिंह मिस वर्ल्ड 2019 बनी है, ये आप ध्यान रखें, सुमन राव का संबंध है आइडाना गांव राजसमंद, और इन्हें किताब मिला है मिस वर्ल्ड एशिया का। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान पर्यावरणविद जिन्हें हाल ही में पृथ्वी भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह, और कर्मस्थली इनकी अलवर। जयपुर प्रॉपर्टी एक्सपो 2019 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? प्रताप सिंह खाचरियावास, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो ये जयपुर प्रॉपर्टी एक्सपो 2019 है, इसका आयोजन 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के मध्य हुआ था जयपुर में। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज आम चुनाव 2020 कितने चरणों में करवा जाने की घोषणा की है? 4 चरणों में। किसने घोषणा की? राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने। साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? यह किया जाएगा राजस्थानी भाषा के लिए रामस्वरूप किसान को, इनके काव्य बारिक रात के लिए, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, इनका संबंध है हनुमानगढ़ जिले से। और हिंदी भाषा के लिए दिया जाएगा बीकानेर के नंद किशोर आचार्य को, इनका काव्य का नाम क्या है? खिलते हुए अपने को, इसके लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और घोषणा कब की गई? 13 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दे रखा है, राजस्थान के किन दो जिलों में केंद्र सरकार ने बाजरे के सीड हब बनाने का निर्णय किया है? तो ये दो जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर और पाली, पहला बनेगा जोधपुर में, दूसरा सुमेरपुर पाली में।
ये आपको ध्यान रखना है। सीड का मतलब होता है जो बीज होते हैं, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला मनरेगा के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये रहा है भीलवाड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, 22वीं महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में शीतल तोमर ने कौन सा पदक जीता है, तो शीतल तोमर ने जीता है स्वर्ण पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। शीतल तोमर का संबंध है धौलपुर से, ये आप ध्यान रखिए। जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने जयपुर बता दिया था, लेकिन जयपुर नहीं है, धौलपुर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जालंधर, जालंधर में इसका आयोजन हुआ था, 22वीं महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का, जालंधर पंजाब में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस कार्ड की शुरुआत की गई, ये की गई जन आधार कार्ड की, तो ये आप ध्यान रखिए। शुरुआत कब की गई, 18 दिसंबर से, और ये पूरे राजस्थान में लागू कब से होगा, तो 1 अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा महिला शक्ति योजना में, योजना के लिए प्रदेश में कितने बजट की व्यवस्था की गई, तो ये की गई है 1000 करोड़ रुपए की, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इस योजना की शुरुआत हुई है शुभारंभ 18 दिसंबर को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र से इस योजना का शुभारंभ किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश के किस बांध पर सबसे पहले स्काडा सिस्टम का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है बिसलपुर बांध पर, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये किस जिले में, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। और जो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचे हैं, निश्चित ही उन्हें हमारे वीडियो से हेल्प मिलेगी। 110 क्वेश्चन है, आप सारे के सारे कंटेस्टली आप ध्यान में रखिए, और एग्जाम से पहले एक बार जरूर इन सभी को आप कहीं पर नोट डाउन करते हैं तो एक बार जरूर पढ़ के जाएं, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। बिसलपुर बांध पर स्काडा का काम 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। आगे देखते हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, तो कौन कौन है, भरतपुर के आकाश और जोधपुर के रवि बिश्नोई। आपसे एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्रिकेट से, जोधपुर से ये आप ध्यान रखिए। और जो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप है 2020 में कहाँ पर होगा, दक्षिणी अफ्रीका में। मिशन इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ये की गई रघु शर्मा के द्वारा, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जयपुर से इसकी शुरुआत की गई, इसके चार चरण है, आप ध्यान रखिए, प्रथम चरण 2 दिसंबर, द्वितीय चरण 6 जनवरी, तृतीय चरण 3 फरवरी और चतुर्थ चरण 2 मार्च। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। और ये अभियान क्या है, 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान सूचना आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है, तो राज्य सूचना आयोग के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष है आशुतोष शर्मा। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को पूरे देश में स्वच्छता रैंकिंग में 8वां स्थान मिला है, तो ये मिला है ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, जो कि जयपुर में है। और हाल ही में जल शक्ति अभियान के द्वारा कॉलेजों में, ठीक है, कॉलेजों में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किया गया राजस्थान की महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर को। रणजी ट्रॉफी 2019-20 के लिए राजस्थान के कप्तान चुने गए हैं रॉबिन बिस्ट। राज्य की किस शिक्षिका को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर कल्पना शर्मा को। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ कहां से किया, जयपुर से, 4 सितंबर को, बच्चों की बस्ती को कम करने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, ये किया गया 109 शिक्षकों को। आयोजन कहां पे हुआ था, बिरला सभागार जयपुर में 5 सितंबर को। राजस्थान पुलिस में कार्यरत उप निरीक्षक जिन्होंने 8 सितंबर 2019 को चीन में आयोजित संघाई कॉपरेशन इंटरनेशनल वुशु में स्वर्ण पदक जीता, मुकेश चौधरी। आगे देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर हुआ था उसमें। चॉइस, ठीक है, यहाँ पर ही चॉइस नहीं है। राजस्थान के अलवर जिले की बालिका जिसे 25 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है पायल जहांगीर। या आप ध्यान रखिए, इनका ग्राम है हिंसला, जो कि अलवर में पड़ता है। आगे देखते हैं, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 सितंबर 2019 को प्रदेश का प्रतिष्ठित क्रिकेट पुरस्कार माथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में किस क्रिकेटर को प्रदान किया गया? तो सीनियर वर्ग में प्रदान किया गया तनवीर उल हक को, और जूनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को। ठीक है, जूनियर वर्ग में रवि बिश्नोई को किया गया है। इनका संबंध कहाँ से? जोधपुर से, ये आप ध्यान रखिए। और जो ये आर्यन खालिया हैं, इनको सब जूनियर वर्ग में अवार्ड प्रदान किया गया है। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला ई साइंस सर्टिफाइंग राज्य बना है, तो कौन सा बना है? ये बना है राजस्थान। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तथा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का स्वर्ण जयंती समारोह जयपुर के बिरला सभागार में हिंदी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर 2019 को आयोजित किया गया। और इसमें आप ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार है वो दिया गया इस मधु तलवार को, उनके साहित्य लाल बजरी की सड़क के लिए। तो आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स वाले मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर रहे हैं 2019 में। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, और ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है इस दृष्टि से। इस मधु तलवार, इनकी जो साहित्य है वो है लाल बजरी की सड़क। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कहीं पर भी बोलने में कुछ भी मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो क्षमा जरूर करें। इतना बड़ा वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। चैनल को विजिट करें, अधिक से अधिक मैंने वीडियो जो प्रोवाइड कराए हैं वो आप देखें, और अधिक से अधिक क्वेश्चन तक आप अपनी पहुँच रखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाएं, निश्चित ही आपको आपके एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट देंगे मॉक टेस्ट पेपर। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।